देता हूं और स्वागत भी करता हूं। लॉर्ड महावीर एवरीवन नोस ए किंग सिद्धार्थ ऑफ कुंडाग्राम एंड क्वीन ट्रिसल ट्रिसल और ये एलिजेबिक प्रिंसेस है 599 बीसी में इन द विलेज नियर वैशाली। तो इसका महावीर जी का भगवान का उसका हिस्ट्री उसका क्या है तो दुनिया को जानता है, लेकिन मेरे को ये जस्ट आई वांट टू से समथिंग। तो हम जो मणिपुर में है जो हमने जो अपने जैन भाई बहन लोग को देखा है बचपन से, जैन जो कम्युनिटी जो है दे आर पीस लविंग दे आर हार्ड वर्किंग एंड वेरी पैशनेट है। ये तीन हम देखा है जैनियों में, हार्ड वर्क है, पीस लविंग है और पैशन बहुत है। जो पैशन ही है उसी से दुनिया को कुछ न कुछ ले सकता है, दे सकता है, कर सकता है दुनिया के लिए। प्रधानमंत्री जी देखिए अभी अपने नरेंद्र मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसका हार्ड वर्किंग देखिए, उसका पैशन देखिए, क्या क्या गाली नहीं दिया उसको। अभी तक पूरा दुनिया को ग्रुपिंग बना लिया कि मोदी जी को नीचे खींचना है। और हमारा यहाँ का सुविधा खेले लोग जैसे भी है इंडिया में, जैसे दुनिया में बाहर में जाके मोदी जी के खिलाफ में एलिगेशन करता है, देश के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में तो करो हम सह जाता है, लेकिन देश के खिलाफ एलिगेशन करता है। हम लोग यहाँ पे भी एक सुविधा खेलन जो है उसका नाम कैसे आता है, जो हम लोग ब्रिटिश के साथ जो फाइट किया था उसी टाइम पे जो हम लोग का युवराज उसको पकड़ने के लिए जो ब्रिटिश ने उसमें एक मणिपुरी है वो मेजे है वो आके पकड़ा, इसीलिए हम सुविधा के लेंगे। ये बिट्रेयर समझ जाता है, जैसे बिट्रेयर बहुत है इंडिया में भी, लेकिन मोदी जी काफी देश सुधर गया को एवरीबॉडी इंडियन अलायंस में काफी आ गया, अलायंस में अभी रह गया बस 20-30 कंट्री रह गया ये ग्रुपिंग बनाने में, बाकी तो नन अलायंस में है सब, क्योंकि हम लोग शांति चाहता है भारत के जो मूवमेंट जो है। तो आपने यहाँ पे आके महावीर जैन जी का यहाँ पे ये कार्यक्रम किया और हम लोग को इनलाइटन किया, और एक भी मैसेज जा रहा हूँ कि मणिपुर में जैन समाज ने क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। और जब जैन समाज यहीं पे है तब से हम लोग इतना
पीसफुली हम लोग एक दूसरे की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह हम लोग साथ बैठे हैं और बैठेंगे, रहेंगे। हम लोग भारतवासी है, मणिपुरी है, और सिख साधारण लोग भी काफी है, काफी था, लेकिन काफी चला गया सही। ये लोग थोड़ा डरता है, काफी था, काफी चला गया, लेकिन अभी काफी फिर वापस आगे लग गए। मैं नहीं, मैदा मांगे नहीं। तो इतना ही बोल के हम फिर आपको देवेंद्र जी, आप यहाँ तक बता रहे और आपने रिस्क लिए, आपने सबको कथा करके इसके मैसेज दिए और शांति का मैसेज जो है हम सबको इसको स्प्रेड करना है। और आपने मैडम गवर्नर को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे करने का जो चांस दिया है, इसीलिए हम मैडम गवर्नर को भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो फिर एक बार बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन ये बात सही है, आज जितने भी आप बैठे, सीएम साहब बैठे हैं, ब्रह्मचारी जी बैठे, आप जैसे समाज से भी जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में निस्वार्थ भावना से, कहते हैं ना कि जो निस्वार्थ भावना से समाज और राष्ट्र की सेवा करता है वो हमेशा समाज में पूजा जाता है, उसका सम्मान। और यही संस्कार ने इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए और आगे और विकास की ओर ले जाए। और मेरी पूरी शुभकामना है, जो भी सहयोग जिस तरीका की हो मैं आपके साथ में हूँ। और यहाँ पर जितने भी जो लोग आए हैं, पूरे देश भर से हमारे प्रतिनिधिगण विदेश से आए हैं, और आज जिन तीन समाज सेवी भाइयों को जो सम्मान दिया है जय आरोग्य फाउंडेशन मुंबई के तत्वाधान के द्वारा, उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको उन्हें प्रणाम। ठगत जरी, जय हिंद। जा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए